बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो डीएम का जो पेपर हो चुका है उसका दूसरा पार्ट जनरल साइंस पार्ट अपलोड कर लेता हूँ। इससे पहले इंग्लिश का पोर्शन अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इंग्लिश पोर्शन में एक क्वेश्चन है, उसमें एक दोस्त ने मुझे रिमाइंड कराया था कि जरा मैं वो क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ कि ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर पोर्शन को देखते हैं। साइंस पोर्शन में भी इजी, इस दफा तो पेपर मेरे ख्याल में बहुत इजी आया था। 31 नंबर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है ये तो मेरे ख्याल में हर किसी को पता है। ऑप्शन बी जो है 97 दर्जा फारेनहाइट में हो तो फिर 98.6 है। यहां पर अक्सर दोस्तों ने गलती किया होगा, 98.6 ये सी नहीं होना चाहिए, एफ होना चाहिए। यहां से एक कह कर किसी ने गलती की है तो दूसरी बात, यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 जो है, 33 नंबर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस, यहां भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 34 देखे, 34 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बाय देयर रिस्पेक्टिव डीएनए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 35 देखे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 देखे, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 mm, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर नहीं, इसमें एक्चुअली ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.1 mm है, ये 0.0 नहीं है, ये 0.1 mm, याद रखिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखें, ग्राउंड वाटर इज डिफाइंड एज, ग्राउंड वाटर इज डिफाइंड एज वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 जो है दोस्तों, 38 कहते हैं कि आर एन ए मॉलिक्यूल्स डेट एग्जिबिट कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड रिबोन्यूक्लियसिस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 39 देखे, द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज कॉल्ड व्हाट, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 40 जो है दोस्तों, द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 41 जो है, 41 नंबर, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अ लीफ एंड इट्स एनवायरमेंट टेक प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज, दैट इज नोन एज स्टोमेटा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, 42 नंबर क्वेश्चन, द इबुलिना इज डिफरेंट फ्रॉम द एमीबिया इन प्रोसेसिंग, तो इसमें साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म इस क्लोरोप्लास्ट, ये आई थिंक साइड इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर
43 देखे, आप 49, इसमें अब क्वेश्चन थोड़े से क्वेश्चन इसमें मिस हैं दोस्तों, 43 से नहीं है यह क्वेश्चन मिस है। एनी हाउ 49 नंबर क्वेश्चन देखे, द टर्म एक्टियोमास मीन्स, द टर्म एक्टियोमास मीन कंसेंट्रेशन, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 50 को देखे, 50 नंबर क्वेश्चन, द यूनिक फीचर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट इट हैज रिबोसोम, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिक पोर्शन कल करूं। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।